तरीके से हम यहाँ पे एक आज एक कंटीली जो झाड़ियाँ हैं और ये जो आड़े टेढ़े जो रास्ते हैं, इन रास्तों में होकर के भी आज हमने एक रेस्क्यू किया और उस रेस्क्यू में हम सफल हुए हैं। और आज जो ये सफलता मिली है, ये जो यहाँ का जो मोडियावाड़ी के नाम से जो तालाब है, उस मोडियावाड़ी तालाब में हमें एक बहुत ही बड़ा आलीशान एक मगरमच्छ दिखाई दिया है। और उस मगरमच्छ को आज हमारे जो कैमरामैन है, उस कैमरामैन प्रमोद जी ने अपने कैमरे में कैद किया है। और अभी अभी आपने देखा कि हमारी आंखों के सामने लंबे समय तक यहाँ पे जो मोडियाड़ी का जो तालाब है गोवर्धनपुरा में, इसमें मगरमच्छ भैरू जी का चबूतरा है, इस पर जो बैठा था। और हम एक बार दिखाना चाहते हैं किस तरीके से वो चबूतरे से उतर के और पानी को चीरता हुआ नीचे की ओर निकल चुका है। और कहाँ पे वो देखो, वो किस तरीके से वो निकला वहाँ पे, एक बार जूम करके दिखाइए, देखिए आप किस तरीके से वो पानी को चीरता हुआ तालाब में शेयर कर रहा है। वो एक बार फिर नीचे की ओर बैठ चुका है। ये गोवर्धनपुरा का मोडियाड़ी के नाम से जो तालाब है, इस तालाब में लगातार दो महीने से यहाँ पे मगरमच्छ होने की सूचनाएं मिल रही थी, लेकिन यहाँ का जो प्रशासन है, वन विभाग का जो डिपार्टमेंट है, वो इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। एक छोटा सा बोर्ड उन्होंने जो तालाब के पीछे गौशाला है वहाँ पे एक छोटा सा बोर्ड लगा करके उन्होंने एक अपने कार्यों से निवृत्त हो गए कि यहाँ पे कोई नहीं जाए, जबकि वो इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। अभी भी हम आपको बताना चाहता है कि देखो किस तरीके से बीच में वो तैर रहा है। और यहाँ का जो प्रशासन है वो मूक बधिर बना हुआ है और इसके कारण यहाँ पे जनहानि हो सकती है। यहाँ पे आसपास के जो गांव है वहाँ के जो चरवाहे वगैरह है वो यहाँ पे रहते हैं, साथ ही यहाँ पे जो जानवरों का भी पानी पीने का ये एक स्थान है। लेकिन यहाँ पर वन विभाग के जो अधिकारी है वो इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। एक मिनट भाई साहब, यहाँ हो तो आज तो आप देखा, ये देखो किस तरीके से वो एक बिल्कुल बिना टेंशन के तालाब में चहलकदमी कर रहा है। ये एक भैरू जी महाराज का जो ये चबूतरा है, इस चबूतरे पे वो बैठा रहता है और इस चबूतरे से मात्र 15 फीट की दूरी पे जानवर पानी पीने आते हैं। लेकिन वन विभाग के जो यहाँ के अधिकारी है वो बिल्कुल लापरवाह अधिकारी है, वो इस ओर कोई कदम नहीं उठा रहे हैं। और अभी जब हमारी बात हुई है तो उन्होंने बताया कि पानी ज़्यादा होने के कारण हम यहाँ पे पानी में रेस्क्यू नहीं कर सकते हैं। चाहे बलि से जान किसी की भी जाए, चाहे चरवाहे की जान जाए या जानवरों की जान जाए, लेकिन वो यहाँ पे रेस्क्यू नहीं कर सकते, ऐसा उनका कहना है। तो क्या कर रहे हो आप यहाँ पे? आप सब बकरियां चरा रहे हैं? बकरियां चरा। भाई ये जो अभी क्या बैठा था ये भैरू जी के चबूतरे पे? मगर। आप रोजाना ऐसे ही देखते हो? रोजाना ही। तो ये कितनी देर के लिए बैठता है यहाँ पे? घंटों भर। अच्छा, यहाँ पे अगर कोई नहीं दिखता है तो दिन भर बैठा रहता है? तो भाई आप तो यूँ बताओ कि यो लगभग कितना टाइम से यहाँ? आखिर रात पर भी बैठे रहो तो मना नहीं, 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 कितना दिना से दिख रहे हो? यो महीना दो महीना का बंदर दिख रहे हो? अच्छा अच्छा, तो यो दो महीना पहले यो चबूतरो भी ना दिखतो होगो? तो पहले पानी ज्यादा छोटे पानी ज्यादा छोटे जंडी जंडी नजर आओ। अच्छा, जंडी जंडी नजर आओ छी। अभी बता देगा भाई, मैं हाथ करके खा सकते देगा हूं, देगा उठी हाथ करके बताओ तो किसी जगह दिख रहे हो? ताकि ये बार अब तो डूब गयो वो सामने दिख रहे थे, बच्चे पूछ रहा कि वो निकल गया पहली बार पे, पहली बार खा ले। तो भाई आप तो मैं यूं बताओ, काय नाम है ताको? नाम बताओ पहले। सोना है भाई। काय यूं बताओ, ता जैसे यहां भाग रहे थे राव जी, तो का घर से यूं अकेला आओ जे या ता झुंड बना रहा हो यहीं का डर की मारी?
पास में डर भी न लगे पर इको डर चे या कोई तो अब यो कितना दिन से फाड़ रहे मुंडो यो बताओ तीन चार दिन हो गया फाड़ रहे भाई साहब बता रहे मुंडो तीन चार दिन से फाड़ रहे तो तीन चार दिन से इको मतलब यो अब भूखा मर रहे और ताकि यू बताओ कहीं के ताए पकड़वा के लेके यहाँ कोई आया कि ना आया आज तक तो ना आया कोई भी पकड़वा का कोई भी ना आया ये जो वन विभाग वाला थे जंगलात वाला ये हाल तक पकड़वा के लेके आया कि ना आया एक बार भी ना आया ना तो हाल तक ही ना कोई नुकसान वगैरह कोई अब तक तो इस मगरमच्छ के हमले से सब कुछ ही बचा हुआ है लेकिन भाई साहब बता रहे हैं कि अब ये दिन भर मुंह पाड़ा बैठा रहता है तो काका जी आप ये बताओ कि ये इसमें खाता क्या होगा और यूं बताओ मैं दिन भर सुबह से शाम तक जैसे अभी आप चार पांच यहाँ से तो यहाँ सुबह से शाम तक ये तालाब का आस पास लगभग कितना लोग रहता होगा जैसे यो गोर्धनपुरा गांव है गोर्धनपुरा के अलावा हाजी भाई गौशाला ये जो तालाब में अभी आप क्या देख रहे हो सामने क्या है वो मगरमच्छ ये मगरमच्छ है ऐसे ही रहता है दिन भर आप लोग क्या कर रहे हो यहाँ पे बकरी ये भाई साहब बकरियां चरा रहे हैं तो भाई साहब आप ये बताओ कि आपको कभी ऐसा यूँ डर भी लगता है क्या कि कहीं अपन को मगर पकड़ ले या जान अपने जो जानवर है उनको तो यहाँ पे अभी तक इस मगर ने कोई खेड़ी वेड़ी की भी पकड़ी गए नहीं पकड़ी अभी तक तो लेकिन डर आपको लगा ऐसा था एक बार फिर दिखाई आप जूम करके देखो ये अभी भी उसको कोई टेंशन नहीं है वो बिल्कुल खुलेआम घूम रहा है देख देखिए किस तरीके से पानी में वो चहल कदमी कर रहा है मानो कि जैसे उसके अलावा यहाँ पे कोई नहीं है हालांकि उस मगरमच्छ का सोचना सही है कि उसके अलावा यहाँ कोई नहीं है क्योंकि यहाँ का जो प्रशासन है यहाँ का जो वन विभाग की जो टीम है वो बिल्कुल मूक बधिर है और वो आराम से यहाँ पे बेरोजी महाराज के चबूतरे पे चहल कदमियाँ करता रहता है अभी हमने बिल्कुल उसको 15 फीट की नज़दीकी से भी कैमरे में कैद किया है तो भाई साहब आप ये बताओ कि इसको कितना समय हो गया दो महीने से ये ऐसे ही दिख रहा है ये एक ही है और भी है अच्छा ये कैसे आया इसमें बता सकते हो आप अच्छा तो इसमें और कोई बड़ी नदियां वगैरह है क्या आसपास से कोई ना आसपास से कोई बड़ी नदी भी नहीं है उसके बावजूद ये मगरमच्छ इसमें आया कैसे वन विभाग के अधिकारियों ने अभी हमें बताया कि हमने वहां के लोगों को सूचना दे रखी है हमने वहां पे बोर्ड लगा दिया कि यहाँ पे तालाब के किनारे कोई नहीं जाए साथ ही अगर किसी को मगरमच्छ दिखे तो हमें सूचना दें अब हमें मगरमच्छ दिखाई दिया हम वन विभाग को सूचना देंगे अब हम देखते हैं कि वो कितनी देर में कार्रवाई करते हैं कितनी देर में इसे पकड़ते हैं वो सामने मगरमच्छ घूम रहा है आराम से आप देख सकते हो और जहां मगरमच्छ है वहीं पे एक किसान ने अपना नलकूप इंजन भी रख रखा है पानी सिंचित के लिए वहीं पास में देखे तो कुछ लोग हैं जो बकरियां बेचे वगैरह भी चरा रहे हैं और वो अभी बकरियां बेचे हैं इसी जगह से पानी पी करके निकली है मेरा आप सभी से ये कहना है कि इतना लापरवाह जो विभाग है उसे इतना लापरवाह नहीं होना चाहिए दूसरी ओर कि एक मगरमच्छ को रेस्क्यू करके उन्हें और जो यहाँ के जो जानवर हैं चरवाहे हैं इनकी जान की भी परवाह करना चाहिए देखते रहिए डीवी भारती समाचार नजर हर खबर पर।